नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में झगड़ोली में नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लापता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 8 लोगों की मौत की खबर है। संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूब गए, चारों भाई बहन थे, सभी के शव निकाल लिए गए हैं। वहीं ललितपुर और उन्नाव में 2-2 लोगों की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सोनीपत में गणपति विसर्जन के दौरान 2 हादसे हुए। कनीना रेवाड़ी रोड पर स्थित गाँव झगड़ोली के पास नहर में गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने गए 9 लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह गए। देर रात 8 लोगों को नहर से बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 की हालत गंभीर है। महेंद्रगढ़ में मृतकों की पहचान टिंकू, आकाश, नितिन और निकुंज के तौर पर हुई। ये सभी 18 से 23 साल के बताए गए। मनोज, दीपक, सुनील, संजय को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। महेंद्रगढ़ में डीसी डॉक्टर जेके आभीर ने दावा किया कि बिना परमिशन के झगड़ोली नहर में विसर्जन किया जा रहा था। डीसी ने 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है, साथ ही बताया कि अभी नहर में रेस्क्यू चल रहा है, 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं डीसी ने बताया कि गणपति की प्रतिमा 8 फीट की थी, जैसे ही लोगों ने इसे प्रभावित किया तेज बहाव में 9 लोग प्रतिमा के साथ पानी में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका एनडीआरआई के जवान ने निभाई। वे अपने बच्चे को लेने रेवाड़ी जा रहा था, उसने नहर से 3 लोगों को निकाला। लोगों के नहर में बहने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल नहर के पानी को रुकवा दिया गया है। वहीं इस हादसे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया। वहीं हरियाणा के सोनीपत में यमुना नदी के मिमारपुर घाट पर गणपति की प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुंदर सांवरी निवासी सुनील, उनका बेटा कार्तिक और भतीजा दीपक डूब गए। देर रात को सुनील और उनके भतीजे दीपक के शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन सुनील के बेटे कार्तिक की तलाश जारी है। वहीं यमुना के बेगा घाट पर रेहड़ा बस्ती का सुमित तेज बहाव में डूब गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए वे 6 साथियों के साथ यमुना में अंदर गया था। उसके 6 साथियों को यमुना से निकाल लिया गया और उसका शव भी बरामद हो चुका है। हरियाणा के पंचकुला में शुक्रवार को अभयपुर निवासी महिला पुष्पा गणपति विसर्जन कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर घर वापस जा रही थी। उसी दौरान ट्रैक्टर की ब्रेक लगाने के बाद महिला का संतुलन बिगड़ा और वो गोद में लिए अपने बच्चे समेत नीचे गिर गई और ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की शाम को गणपति विसर्जन के दौरान अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत की खबर है। सबसे बड़ा हादसा संत कबीर नगर की आमी नदी में हुआ। यहां एक ही परिवार के 4 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। इनमें 3 बहन और 1 भाई शामिल है। दरअसल भाई नदी में उतरा तो तीनों बहनें भी नदी में उतर गईं। अचानक एक बच्चे का पैर गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के चक्कर में एक एक कर 4 बच्चे नदी में डूब गए। उन्नाव और ललितपुर में भी 2-2 की जान गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।